गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टोरी सेक्शन का आपका फर्स्ट स्टोरी द लास्ट लेसन ठीक है हम लोग जिस सीरीज को चला रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है और ये जो स्टोरी सेक्शन है आज से स्टोरी सेक्शन हमारा होगा और आज के सेक्शन में देखते हैं दो स्टोरी कवर हो जाएगा आपका ठीक है ध्यान से देखेंगे ऑल द स्टोरी हैज बिन फिनिश्ड हैव फिनिश्ड वेरी वेल ठीक है और हम लोग का जो सेक्शन बचा हुआ है ओनली द क्वेश्चन आंसर मोस्ट ऑफ द चैप्टर हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस

और उसी का ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं तो वैसे हम क्वेश्चनों को बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है इसमें आप भी वी आई कर सकते हैं वट वाज फ्रेंज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर स्कूल दैट डे तो जो फ्रेंज है उस दिन स्कूल में जो गया उसको क्या एक्सपेक्ट किया गया था उसे कि वो प्रिपेयर करके आएगा से क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि आज वो तैयारी करके आएगा तो मैंने आपको बताया था कि एम एम ने पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था उसके टीचर ने और उसी को तैयारी करके जाने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तैयारी करके नहीं जाता है और बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज वेरी अफ्रेड है ना गोइंग टू स्कूल स्कूल जाते हुए काफी ज्यादा मतलब कि क्या था डरा हुआ था और उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज हम जाएंगे तो सर हमको क्वेश्चन पूछेंगे जिसका हमको जवाब देना होगा लेकिन वो तैयारी नहीं किया था ठीक है <coughs> तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स किसका पार्टिसिपल का जो क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ था उसको उसको तैयारी करना था ठीक है एम हिज टीचर ऑलरेडी

सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल है ना एक भी मतलब word को नहीं जानता था इसलिए ही वॉज एज ए रिव्यूक फ्रॉम एम हेम ऑन दैट डे और वो जा रहा था एज्यूम कर रहा था जो सोच रहा था कि हम जाएंगे तो पक्का हमारे टीचर से हमको डाट मिलेगा ठीक है अब देखिये दूसरा भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं बता देता हूँ वट वट डिड फ्रेंज नोटिस दैट That was unusual about the school that day. उस दिन क्या विचित्र चीज वो स्कूल में नोटिस करता है तो उस दिन विचित्र चीज वो क्या नोटिस करता है कि जितने सारे बच्चे थे वो आज लगभग सब प्रेजेंट है ग्रामीण लोग भी भरे हुए हैं पूरा क्लास भरा हुआ जो कि खाली हुआ करता था सर भी नया ड्रेस पहन के आए हुए हैं सब लोग काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं जबकि वहां पर सब मतलब की निबरल और नॉर्मल पढ़ा करते थे आज बिल्कुल वातावरण जो था एन्वा वो चेंज था ठीक है क्योंकि आज लास्ट क्लास था

ओपनिंग किस किस चीज का हल्ला होता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क डेस्क का जो खुलने लगाने का सिलसिला था उसका लेसन रिपीटेड लॉडली इन यूनिशन और जो लेसन रिपीट किए जाते थे जोर जोर से बोल के उसको क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कमोशन और इसके कारण क्या होता था कि हल्ला होता था बट ऑन दैट डे लेकिन उस दिन एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड साइलेंट लेकिन उस दिन सब शांत और चुप्पी में था लाइक दैट इज संडे मॉर्निंग जैसे कि शनिवार uh, के सॉरी uh, संडे को जब क्या होता है स्कूल तो पूरा क्लोज होता है तो उस दिन जितना शांति या चुप्पी स्कूल में होता है ठीक है वैसे ही उस दिन फील हो रहा था इट वॉज

तो तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए देखिए क्वेश्चन है आपका है ना तो क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर तो फॉर द लास्ट टू इयर्स एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और पब्लिक अनाउंसमेंट वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड जो कि टाउन हॉल के सामने था वो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस uh, मतलब सॉरी जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता था वॉर्स रिलेटेड लोगों से रिलेटेड सेना से रिलेटेड सब वहां पे लिखा जाता था ठीक है द लॉस्ट बैटल लड़ाई हारने का द ड्राफ्ट कोई भी ऑर्डर आता था तो ऑर्डर ऑफ द कमांडेड ऑफिसर जो कमांडिंग ऑफिसर होता था उसका ऑर्डर जो आता था एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट उस दिन एक ऑर्डर बर्लिन से यानी कि जो आया हुआ था जर्मनी से जर्मनी लैंग्वेज में है ना जर्मन क्या था दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट जर्मनी का भाषा पढ़ाया जाएगा इन इन द स्कूल ऑफ अर्सेक एंड लॉरेंट अब स्कूल जो अर्सेक एंड लॉरेंट के है उसमें सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जो लड़ाई हुआ है फ्रांस और जर्मनी के जितने भी जर्मन मतलब की टीचर है वो आएंगे और कल से क्या होगा कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा ठीक है और इसीलिए करंट इशू आर जनरली पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड और यही जो न्यूज था वो मतलब तत्काल न्यूज वहां पर डाला हुआ था ठीक है तो आपको ये याद रखना है क्या बदलाव हुआ था ठीक है तो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट डे उस दिन स्कूल में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला था इसके कारण द होल स्कूल अपियर सो स्ट्रेंज बिल्कुल सारा सारा स्कूल अजीब नजर आ रहा था गंभीर नजर आ रहा था सोलेमन एम हेमेल द टीचर वाज है ना इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट ट्रेस ठीक है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप तो सर भी थे वो नया नया कोट पहन के आ गए थे जो हमेशा पहनते थे खास अवसर पे ठीक है तो उन शर्ट भी पहने के आए थे फ्रील्ड शर्ट था और व्हाइट ब्लैक कलर का जो उनका सिल्क का कैप था मतलब वेल डेकोरेटेड जैसे कि आज जैसे फेयरवेल उनका हो रहा हो वैसे वो पहन के गए हुए थे द बैक बेंचेज दैट वी आर ऑलवेज इम्पट्टी जो पुराने के पीछे के जो बेंच थे हमेशा खाली होते थे वी आर फुल ऑक्यूपाइड बाय द एल्डरली विलेज पीपल वो सारे के सारे जो बेंच थे वो जो लोग हैं बूढ़े लोग गांव के इसके इनसे भरा हुआ था ठीक है जो सारे लोग थे उनसे भरा हुआ था ठीक है इट वाई लास्ट लेसन इन फ्रेंच क्योंकि आज लास्ट लेसन होने वाला था कल से जर्मनिक लैंग्वेज वहां पढ़ाया जाता इस वजह से सारे लोग वहां थे नाउ ऑनवर्ड्स द स्कूल ऑफ एंड लॉरेन ओ टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज क्योंकि इसके बाद अब स्कूल जितने हैं एंड लॉरेन के उसमें सिर्फ जर्मनी का पढ़ाई होगा ठीक है तो ये आपका तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और देखते हैं इसमें अगर होगा तो आपको मैं बताता हूं कोट किया हुआ ऐसा तो नहीं है तो एक क्वेश्चन और मैं इसको इसमें बता देता हूं ये देखिए क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग कैसा फ्रेंच का फीलिंग था अबाउट एम एंड स्कूल चेंज ठीक है कि इस प्रकार से जो बदलाव हुआ तो क्या दोनों में मतलब कि बातें सामने निकल के आए कैसा दोनों का स्वभाव और स्कूल चेंज के बारे में रहा कैसा लगा उनको तो फ्रेंच फीलिंग अबाउट एंड स्कूल टोटली चेंज ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फ्रेंच का फीलिंग था वो दोनों के प्रति कैसे बदल गया टीचर के प्रति स्कूल के प्रति जहाँ वो जानना नहीं चाहता जो टीचर से पूछना नहीं चाहता था अचानक सडेनली क्या हो गया कि दोनों में काफी बदलाव हो जाता है उसको पसंद करने लगता है अचानक क्या हो गया तो क्या हो गया कि अचानक बदल जाता है ना वेन ही केम टू नो दैट जब उस ये जान जाता है कि एम हेमेल वॉज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन कि एम हेमेल अपना अंतिम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं इन द स्कूल इट वॉज ये क्या था बिजली का झटका जैसा लगने वाला था द ऑर्डर दर फ्रॉम बर्लिन एराउज पेट्रियोटिक फीलिंग्स इन हिम और जो ऑर्डर आया बर्लिन से उसमें एक देशभक्ति का भावना डेवलप कर दिया ठीक है ही फेल्ड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन और तुरंत अपने आप से माफी मांगने लगता है कि चलो मैंने अपना लेसन नहीं किया तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ ठीक है मैं सॉरी बोलता हूँ ही सडनली ग्रीव रिस्पेक्ट फॉर एमएमएल अचानक से उसके दिलो दिमाग में एमएमएल के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है एंड ही इवन फॉरगेट ऑल हिज एरन रूलर एंड क्रैंकी नेचर अचानक से वो सब भूल जाता है कि सर कितना मारते थे रूल के डंडा से और उनका कितना नेचर हार्ड था ठीक है ये सब कुछ भूल जाता है बस उसको याद रहता है ठीक है कि मतलब कि आज हमको अपना अंतिम लेसन पढ़ना है सर से ठीक है इसलिए वो सारी चीजें वो याद रखता है चलिए अब थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्लियर नहीं होता है साफ जल्दी

Adamant, वो काम करते थे, में कौन होगा की वो अगर रूल्स को ज्यादा फैलाते थे तो इसका मतलब क्या था कि वो हार्ड टास्क मास्टर थे या फिर है ना या फिर वो काफी ज्यादा चिंतन करते थे इस चीज को सोचते थे ठीक है तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा तो इसमें देखिए अगर वो हार्ड मास्टर हार्ड टास्क मास्टर थे तो ऐसा लास्ट में क्लास देते नहीं तो वो कंसर्निंग टीचर थे ऑप्शन नंबर ए ठीक है कंसर्निंग टीचर थे इस वजह से ऐसा बोला जाता है ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर फोर फ्रेंच थिंग्स फ्रेंच सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जनवर के क्या ये लोग कबूतरों को भी मतलब यहाँ दे कबूतर को बोला गया तो क्या कबूतरों को भी जर्मनी सिखा देंगे तो इवन द पीजेंट्स कबूतरों को व्हाट कूड दिस मीन इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि जर्मन वुड सी द ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन या हार्स ऑर्डर विल बी पास्ट व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द एसेंस इवन द सराउंडिंग आर इफेक्टेड या द जर्मन विल रॉब फ्रांस एंड इट्स लैंग्वेज तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वेन पीपल आर डिप्रेप जब लोगों को वंचित कर जाता है उसके चीजों से तब क्या प्रभाव डालता है यह बता रहा है आपका ठीक है ऑप्शन नंबर सी डज रिफ्लेक्ट जो पिक्चर है मतलब वो कुछ नहीं करते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं तो वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है दर्शाता है स्कूल डिसमिस्ड स्कूल डिसमिस हो गया सेंस ऑफ फिनालिटी चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द लाइफ या फीलिंग्स ऑफ नोस्टेलिया ठीक है तो मोशनलेस पिक्चर जो है वो क्या दर्शाता है है ना कि मतलब कोई मोशन में चुपचाप बैठे रहते हैं तो वो नुस्जिया के फीलिंग में चले जाते हैं ठीक है याद रखेंगे व्हाट इज द मोर्टल लेकिन देखिए यहाँ पर आपका इसमें क्या क्या कर दिया गया है स्कूल इज डिस्मिस्ड ठीक है इसका आपको याद रखना है कि जब वो लास्ट में सिंपल जब दे दिया है कि वो बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं और हाथों से इशारा करते हैं कि स्कूल इज डिस यू कैन गो स्कूल इज डिसमिस्ड यू कैन गो स्कूल डिसमिस्ड हो जाता है आप जा सकते हैं नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फेंस डॉटेड वांट टू ब्रिंग आउट कौन सा मतलब कि मोरालिटी मतलब कि नैतिक ज्ञान वो देना चाहते हैं इस कहानी में ठीक है तो नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे ठीक है या ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू क्या पुराने नया में बदल देता है या नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स चीजों को छोड़ना नहीं दैट वंस कैन डू दैट डू

जो चीज हम कर सकते हैं कहने का मतलब कि आज या कल में नहीं रहना चाहिए किसके जैसा फ्रेंच के जैसा वो काम करना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ एम हेमेल अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं नॉट हैविंग टॉट देम इन अ फ्रेंच उनको काफी फ्रेंच नहीं सिखाए थे नॉट बीइंग स्टिक वो स्टिक नहीं थे या गिविंग ए स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स कि वो बार बार छुट्टी दे देते थे, थे या नॉट बिंग रिस्पॉन्सिबल या लापरवाह थे responsible नहीं थे तो आपका ऑप्शन को छुट्टी दे दिया करते थे पढ़ाने के समय ठीक है Next है कि लेसन बैक बेंच पर कौन बैठा हुआ था तो विलेज पीपल बैठे हुए थे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलेज पीपल बैठे हुए थे ठीक है फिर आपका है कि व्हाट वाज एम एल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच को कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रहे थे तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर पार्टिसिपल ठीक है। For the last two years, दो सालों से यू गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम ये कौन बोला था इसका मतलब क्या है कि तुम आराम से पहुंच जाओगे बहुत ज्यादा समय तुम्हारे पास बहुत तुम्हारे पास समय है ठीक है तो टाइम, यहाँ पर टाइम क्या है कि तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे भेरी अर्ली या भेरी एनअ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको 11 नंबर है उसमें आपको देख लीजिए आपको क्या लगाना है अर्ली एनअ ठीक है मतलब कि काफी पर्याप्त समय है या दोनों ऑप्शन ठीक है लेकिन आपको डी लगाना है Very early, मतलब कि बहुत पहले पहुंच जाओगे कि जा तो कमेंट कि किया था तो ऑप्शन आप नंबर आपका यहाँ पर डी ठीक है वाट डीड एम हेमेल ब्रिंग class हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल वाट Mr. मिस्टर Mr. मिस्टर for क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल स्कूल के अंतिम अन्ति, दि, दिन वो बच्चों के देने के लिए क्या लाए थे मतलब फेयरवेल के रूप में तो याद रखेंगे तो वो नोटबुक लाए थे न्यू नोटबुक्स ठीक है सबको देने के लिए जिसने फ्रांस से, फ्रांस से लिखा हुआ था ठीक है तो क्या लाए थे नोटबुक ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्टीन है कि व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे उस दिन क्या प्रिपेयर करके जाना था उसको तो पार्टिसिपल पे ठीक है ये आपको याद रखना है ठीक है फिर आपको फोर्टीन नंबर है कि व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल क्यों आए थे वो मिलने के लिए तो उनको क्या करने आए थे वो अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के आए थे अपना कंप्लेन या से गुड बाय या गॉसिप करने के लिए आते बातचीत तो आपको बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर डी अपना ग्रेटिट्यूड अपना मान सम्मान दिखाने आए थे ठीक है

बैठे हुए थे ठीक है गांव के लोग लेकिन यहां पर देखिए हेमेल का जो बिहेवियर था इसको आंसर दे दिया गया ठीक है जबकि आप बुक में देखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो यहाँ डाल दिया है आपको यहां पर देखिए बोलता है कि सबसे ज्यादा फ्रेंच को सरप्राइज क्या किया था तो आप वो साफ साफ लिखा है वहां पर फ्रेंच की सबसे ज्यादा जो मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग था मेरे लिए वो ये था कि जब द क्लास वॉज फुल ऑफ द विलेजर्स ठीक है विद विलेजर्स विलेजर्स से बिल्कुल खुश था तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है जबकि यहां पर देखिए एम एम एल जो है ये काइंड और पोलाइट बिहेवियर से तो प्रभावित हुआ ही था ठीक है जबकि ये वर्ड यहां पर यूज नहीं किया चैप्टर में इसके लिए यूज कर दिया तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है जबकि मेरे विचार से ए होगा और यहाँ डी है तो आप ये दोनों में थोड़ा देखेंगे ठीक है

ऑप्शन नंबर डी होगा स्टोरी लास्ट ह्यूमन टेंडेंसी के किस चीज को दर्शाता है 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 ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, वो ठीक तो देशभक्ति तो देश यहां पर आप देख लेंगे ठीक है ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन कौन है इसमें ठीक क्वेश्चन है ये दिया हुआ, बाकी भी कुछ क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिया है पहले. तो आप इस तरीका से इसको देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट होता है ठीक है एक और चैप्टर आपको यहाँ पर दिया हुआ Spring, है है द लॉस्ट स्प्रिंग नंबर चैप्टर ठीक इसको भी हम लोग देख लेते हैं टाइम है है ठीक इसमें हम लोग का क्या है ये चैप्टर जंग का लिखा हुआ है जिसमें साहेब आलम और मुकेश के बारे में बात किया हुआ था ठीक है इस चैप्टर में तो इसका हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं यहां से मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर करके वो मोटर तो क्या करके गराज जा करके ए ठीक है गराज जा करके वो सीखना चाहता था वाट बोदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल्स मेकर क्या परेशान करता है बैंगल्स मोकर ज्यादा वहां पे क्या परेशानी करता है किसी से ज्यादा परेशानी है तो पॉवर्टी एंड कास्ट या फिर ऑफ द फैक्ट्री ओनर या लेबर लॉज ठीक है तो वॉट बोधर्स क्या ज्यादा परेशान करता है वहां पे तो वहां पे क्या दर्शाता है कि लैंड लॉर्ड जो है उनका ज्यादा प्रभाव वहाँ पे रहता है ऑप्शन नंबर बी ज्यादा प्रभाव इन्हीं का रहता है चलिए ऑप्शन नंबर सी है Sorry. Question number third, कि कि किस को को दर्शाता दर्शाता है 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 चीज एक बोला जा रहा है कि वो जबकि दूसरा बता रहा है ठीक है दूसरा ये बता रहा है कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं जबकि दूसरे अचीव कर लेते हैं तो ये क्या बता रहा है एन एल्डरली वुमेन ओल्ड हस्बैंड को मुकेश फादर को या बेंगल फैक्ट्री ओनर को मुकेश इल्डर ब्रदर को तो इल्डरली वेमेन्स ओल्ड हसबेंड के बारे में बता रहा है कि एक बूढ़ी इस चीज को बता रही होती थीक है ठीक है ठीक है ऑप्शन नंबर ए चलिए फोर्थ नंबर है कि विच ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व एज ए सिंबल ऑफ इंडियन वीमेन्स वाक सबसे अच्छा किसको बेस्ट चीज किसको दिया है बिंदी को सिंदूर को बैंगल्स को कि हैना डाइड हैंड को ठीक है तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है ठीक है इंडियन वीमेन सुहाग को क्या रिप्रेजेंट करता है तो आपको बैंगल चूंकि देखिए हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो बैंगल के बारे में है तो यहाँ बैंगल जबकि अगर देखा जाए तो इंडियन वीमेन सुहाग को क्या रिप्रेजेंट करता है तो सिंदूर भी है ठीक है और बिंदी भी है और हाथ रंगा हुआ जो कला उसका हाथ है वो भी है ठीक है चलो बिंदी छोड़ देते हैं और आ ये जो हाथ में हम लगाते हैं मेहंदी वो भी छोड़ देते हैं भाई लेकिन सिंदूर और बैंगल्स दो चीज में कंफ्लिक्ट हो जाता है ना तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बैंगल्स है, तो बैंगल्स ही लगाएंगे ठीक है तो देखिए इसमें आंसर आपका क्या दे दिया गया है फिफ्थ का सी दिया हुआ है चलिए उसको पढ़ रहे ठीक है सनी गोल्ड ग्रीन सब इस बैंगल्स का नाम है पर्पल एवरी कलर बोर नॉट द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो व्हाट इज द डिफरेंस टू किसको बोला है तो बैंगल्स के लिए बोला है चुड़ियों के लिए ठीक है

ब्रदर्स वाइफ मुकेश की बड़ी जो बहन थी सॉरी कानून लागू कर दिया जाए तो इट वु अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन दैब्स ऑफ अबाउट अगर कानून अगर को बदल दिया जाए तो वो क्या चेंजिंग ला सकता है ठीक है कितने बच्चों को बचा सकता है तो टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड है ना

वन डे एक दिन साहब वॉज सीन बाय द ऑथर एक दिन साहब को देखा जाता है कि कुछ यंग मैन खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे थे तो याद रखेंगे आपको टेनिस खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? टेनिस। इस चैप्टर में टेनिस का ही जिक्र है टेनिस अकॉर्डिंग टू दर ऑथर के अनुसार के अनुसार रैंक पिपिंग जो कूड़ा कचरा चुनने वाले लोग होते हैं ओवर हो है, सालों के बाद ए क्या हो जाते हैं ये जो रैंक पिकिंग है वो क्या हो जाता है पैसा हो जाता है कि फाइन आर्ट हो जाता है ट्रेडिशन हो जाता है, है तो कल्चर हो जाता है अब याद रखेंगे एक फाइन आर्ट हो जाता है फाइन आर्ट अच्छा कला बन जाता है ठीक है द रैक पिकिंग हैव नो आइडेंटिटी राइक पिकर्स का कोई पहचान नहीं होता बट दे हैव है उनके पास क्या होता है राशन कार्ड होते हैं याद रखेंगे राशन कार्ड याद रखेंगे पढ़ाया हुआ है एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ आप जाता है द कॉलोनी ऑफ रैक पिकिंग इज सिचुएटेड इन जो कॉलोनी है वो कहां सिचुएटेड है तो याद रखेंगे सीमापुरी में कहा पर है आपका सीमापुरी में ठीक है क्योंकि दिल्ली से ही सटा हुआ है। वाट द मैन फ्रॉम उड़ीपी प्रे फॉर वेन ही बताया गया था उसमें किस चीज का भगवान का जूता तो नसीब में नहीं था ठीक है वन एक्सप्लेनेशन एक वर्णन में विच ऑफ ऑथर गेट्स अबाउट द चिल्ड्रेन चूजिंग टू रिमेन बेयर फूड्स तो किसके लिए बच्चों को लाता है कि वो जो खाली पैर रह जाते हैं क्यों दे no है ये

साहब्स साहब्स होम होम बिफोर बिफोर दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली तो तो राजधानी ढाका में याद रखें कहा था इसका ढाका तो क्या होगा ढाका वाई डू यू डू दिस ऐसा तुम क्यों करते हो दिस क्वेश्चन वाज आस्क द ऑथर टू तुम ऐसा क्यों करते हो ये क्वेश्चन ऑथर ने किसको पूछा था तो ये क्वेश्चन ऑथर को सॉरी ऑथर ने किसको पूछा था साहब को पूछा था ठीक है तो इसको एक बार आप गौर से देख लेंगे आप सारे क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग लग लगभग दो स्टोरी को कवर कर चुके हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ योर कोर्स बुक ठीक है तो इस सीरीज को जारी रखिए और अच्छा लगता हो तो आप शेयर का अगर ऑप्शन है तो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इस चीज को जान सके ठीक है और आपको आसपास के लोगों को भी ये कन्विंसिंग है कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ प्लेटफॉर्म क्या चलता है ये भी बता सकते हो ठीक है चलिए मिलते हैं आपको आपके नए एक चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है तब तक के लिए थैंक यू